हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर शहबाज एंड आई एम हेयर टू टॉक अबाउट द करंट इश्यूज, करंट अफेयर। एज यू नो, आई अपलोड हेयर एजुकेशन वीडियो, सो उसी से संबंधित एक आज जो करंट न्यूज़ है, जो मैं बहुत ही ट्रेंड हो रहा है, उसे मैं लेकर के आया हूँ। सो आज का जो टॉपिक होगा जिस पर हम बात करेंगे, बिफोर आई वॉन्ट टू टॉक लाइक थैंक यू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो I get the very good review, so thank you so much for this. Okay, and I have very of question who asks me some very of person, so I will give you answer in the last okay, this video in the last time I will give you the answer. Okay, so जानेंगे like about the chili, क्योंकि आज का जो हम लोग जानने वाले इस chili के संदर्भ में ही बात करने वाले हैं। तो चिली जो है एक देश है, जो कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रीज़न व्हाई वी टॉकिंग अबाउट, लोकेशन क्या है उसका और करंट सिचुएशन क्या है, यहाँ पर क्या बात हो गई यहाँ पर, जो इसे आज हम लोग टॉपिक के रूप में लाए हैं। ओके, सो ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं मैप इस फोटोज़ में, सो ये है चिली का पूरा भाग, ठीक है। चिली का कैपिटल सेंटियागो है, उसके ऊपर में पेरू है, उसके बगल में बोलोविया है, और उसके बाद ब्राज़ील। अब ये सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ पे ब्राज़ील है, और उसके बाद अर्जेंटीना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें आप लोग को पता चलेगा लाइक कि वहाँ पर हो क्या रहा है। एक्चुअली वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद कुछ फैक्ट को जानेंगे एंड देन विल आंसर, आई विल आंसर द क्वेश्चंस हु आस्क मी द पर्सन इन माई फेसबुक एंड वेयर यू आस्क मी। ओके ओके, सो वॉच दिस वीडियो। ओके, सो आपने देखा कि इस वीडियो में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, उस वीडियो में आपने देखा है। सो आज हम लोग बस थोड़ी थोड़ी फैक्ट जान लेते हैं एंड इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं हमारे एजुकेशन के हिसाब से। बस पूछा जाएगा कि जो जहाँ पर अभी न्यू संविधान बना है वो कौन सा देश है, किस कौन से कॉन्टिनेंट का है, उसका कैपिटल क्या है, बस ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा और फटाक से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो इस जो कैपिटल है वो सेंटियागो है, और इसमें एक वार, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1818 में, एक वार हुआ था माइपू उसी में। और उसके बाद अभी जो करंट इसके जो पॉपुलेशन है वो है 2.3 करोड़। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसमें टोटल 189 कंट्री है जिसमें इसका रैंक है, कितना दिख रहा है आपको, यह रैंक आपको जो दिख रहा है 189 में आपको इसकी जो रैंक है 42 है, तो ये काफ़ी अच्छा रैंक है। भारत जैसे शहर भी वहाँ पर 139 में आते हैं, भारत का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 139 है, तो इट्स वेरी, यू नो, अकॉर्डिंग टू इंडिया इट्स वेरी गुड। सो ये देख सकते हैं आप यहाँ की जो कुछ विशेषताएं हैं, लॉन्ग हेल्थी लाइफ है, एवरेज एजुकेशन अक्रॉस द पॉपुलेशन है, नेशनल ग्रोस इनकम भी एवरेज है, यानी कि कुछ ऐसे ऐसा होता है ना कि एक वर्ग है, छोटा सा वर्ग है, उसके पास बहुत सारा धन है, ठीक है, मतलब 80% धन इन्हीं के पास है, और एक बहुत बड़ा भाग है जिसके पास धन एकदम कम है, लाइक इसके पास 80% पैसा है और इसके पास 20% पैसा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा है, लाइक आप देख सकते हैं ग्रॉस इनकम एवरेज है। ओके, सो दिस इज दैट थिंग इज़ वेरी गुड एक्चुअली। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखेंगे रीज़न, वर्तमान में सिचुएशन क्या है जो हम लोग इस टॉपिक को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ के लोगों को
तरफ से फॉर मेकिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नई संविधान मंगाने की जरूरत है। एक नई संविधान की जरूरत क्या होती है, कब पड़ती है, ठीक है ना। और ये सबसे अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उससे पहले हम देखें कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या है, ठीक है ना। वह जब भी एक तो ये रिपब्लिक है, रिपब्लिक कंट्री है, लोगों का शासन है, ठीक है ना। तो जब भी लोगों का शासन होता है तो उसके कुछ विरोधी होते हैं और कुछ उसके चाहने या मानने वाले होते हैं। तो जो चाहने वाले होते हैं उसको राइटिस्ट कहते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, और जो उसका मतलब विपक्ष होते हैं, ओपोनेंट होते हैं, उसे हम लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का खेल है, ओके। और यहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लिबरल, ठीक है ना, लिबरल गवर्नमेंट का लिबरल गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे चीज़ों को ना खोल दिया गया, वैश्वीकरण कर दिया गया, ठीक है ना। इससे जो चीज़ें हुई, लाइक इसमें लिबरल तो थे, मतलब क्योंकि यहाँ पर आज़ादी जो मिली थी, मैं आपको तरीके से बताऊँ तो जो अमेरिका है यहाँ पर इंटरफेरेंस करता है और उसके बाद चिली को आज़ादी दिलाता है। चिली को आज़ादी दिलाने के बाद यहाँ पर वैश्वीकरण कर देता है, प्राइवेटाइजेशन कर देता है, ठीक है ना। जिससे बाजार की सारी वस्तुओं, सारे चीज़ों पर किसका अधिकार हो जाता है, कैपिटलिस्ट का हो जाता है। क्योंकि अमेरिका जो था वो कैपिटलिस्ट था, वो ठीक है पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित था। तो यहाँ पर सारे के सारे चीज़ें कैपिटलिस्ट के लिए खोल दिया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह, सारे के सारे चीज़ों पर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला रहता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर उस समय देखने के लिए मिल रही होती है। इसी से लोग परेशान होकर के एक न्यू संविधान की मांग करते हैं, जो आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे गुड थिंग क्या है इसमें, गुड यू नो द चिली मेकिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैं इसकी सराहना तो करूंगा ही, लेकिन साथ साथ एक चीज़ जो इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐड किया है, फोकस ऑन इन्वायरमेंट, फोकस ऑन इन्वायरमेंट। देखो इससे पता चलता है कि इसकी काबिलियत क्या है। ये अब जान रहे हैं कि लोग जो हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक बम के माफिक फट जाएगा, ठीक है ना, ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ये अर्थ है, जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। और जब ज़्यादा और ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या होगा, समस्या, जैसे बाढ़ आ सकती है, जैसे साइक्लोन आ सकता है, फिर भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इन्होंने फोकस किया है इन्वायरमेंट के लिए, तो दिस इज़ द गुड थिंग्स एक्चुअली, ओके। एंड द जीरो कार्बन मिशन, जीरो कार्बन मिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसमें क्या है, जीरो कार्बन मिशन में क्या है, सारी कंट्री ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्री हैं, सब के सब उतने ही कार्बन का उत्सर्जन करेगी जितना वो उसका भरपाई कर सकेगी। लाइक मान लेते हैं कि कार्बन का जो यूज़ हुआ पर पार्टिकल्स जो है, इन्होंने 600 मैट्रिक टन यूज़ किया, ठीक है ना, उत्सर्जन किया, प्रोड्यूस किया, इट मीन्स, ठीक है ना, 600 मिलटन प्रोड्यूस किया, उतने ही ये इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब जितना यूज करेगा उसका भरपाई भी करेगा। तो ये है जीरो कार्बन मिशन का लक्ष्य, ठीक है ना। सो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू नो लाइक, मैं इस वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आखिर में मैं कहूँगा लाइक, कीप हार्ड वर्क, कीप स्टडी, कीप मोटिवेट योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।